नमस्कार। सूरज फरीदाबाद, भारत, सिविल इंजीनियर। चुनाव आ रहे हैं, 2019 चल रहा है। एमपी को चुनना है, उसके बाद प्रधानमंत्री जी बनाए जाएंगे। वर्तमान प्रधानमंत्री जी से मेरे कुछ प्रश्न हैं। प्रधानमंत्री जी, क्या ये आवश्यक है कि इतनी लंबी लंबी स्पीचें दी जाएं? आवश्यक होता है क्या 1.5 1.5 घंटे की स्पीच दी जाए? आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री का एक एक शब्द एनालाइज किया जाता है, उसके मीनिंग निकाले जाते हैं, देश में विदेश में। इतना आसान नहीं होता है कुछ भी बोल देना, और आपकी तो जबान बहुत स्लिप हो जाती है। प्रधानमंत्री जी, आपने बहुत विदेशी दौरे किए हैं, अच्छी बात है। हमारे देश को दूसरे देशों से मिलकर प्रोग्राम बनाने चाहिए, पर ये करने के लिए आवश्यक तो नहीं है कि हर कंट्री में जाया जाए? कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा है आजकल कि आप बैठे बैठे बहुत काम कर सकते हैं। ठीक है, आप जाइए, लेकिन इतना समय आप वहाँ लगाएंगे, फ्लाइट्स में, आने जाने में, मीटिंग्स अरेंज करने में, बात करने में, और उसका रिजल्ट कितना आना चाहिए ये भी आप स्केल में ले सकते हैं, प्रोपोर्शन में ले सकते हैं। आपने जितना टाइम स्पीच दी है इलेक्शंस में, चुनाव की, बीजेपी की, क्या वो आपका जॉब था? क्या आपको अपनी जॉब से इतना समय पार्टी के लिए निकालना था? क्या आप प्रधानमंत्री इसलिए बने थे? आपको याद होगा इंदिरा गांधी के टाइम में जब इलेक्शंस होते थे तो कभी जाती नहीं थी ज़्यादातर, एमपी के इलेक्शन को छोड़ के, जनरल इलेक्शन को छोड़ के, वो जहाज से पर्चियाँ गिरा देती थी कि मेरे उम्मीदवारों को सपोर्ट कीजिए और मेरे हाथ मजबूत कीजिए। लेकिन आप जाते हैं हर रैली में, सैकड़ों रैलीज आपने की हैं, आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपकी स्पीच लोग सुनते भी थे, लेकिन 1.5 1.5 घंटे कोई नहीं सुनना चाहता। यही स्पीच आप 15 मिनट में भी खत्म कर सकते हैं। क्यों करते हैं आप पार्टी के लिए प्रचार? आप पार्टी के आदमी हैं क्या? प्रधानमंत्री पार्टी का आदमी नहीं हो सकता है। आप प्रधानमंत्री का काम कम करते हैं, बीजेपी का काम ज़्यादा करते हैं, ये क्वेश्चन है आपको जवाब देना पड़ेगा। और विदेशी दौरों में आपने क्या पाया है अब तक, ये भी आपको बताना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे ही चले जाना मिलने के लिए, कोई एजेंडा नहीं होना, जैसे चाइना में आप गए, क्या रिजल्ट आया, ये झूठ बात, बहुत छोटी बात है। आपका पद सबसे ऊंचा है देश में, आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं देश के, मुख्य अधिकारी हैं आप देश के, और आप जर्नलिस्ट से भी बात नहीं करना चाहते हैं, प्रेस को जवाब नहीं देना चाहते हैं, देश की जनता को जवाब नहीं देना चाहते हैं। हम सबका हक है आपके ऊपर आपसे पूछना कि आपके अचीवमेंट्स क्या हैं, आप क्या करेंगे, आप बताना क्यों नहीं चाहते? आप छोड़ के क्यों चले जाते हैं जर्नलिस्ट को? आपने कुछ जर्नलिस्ट से बात करते करते छोड़ा है? हमने देखा है, एक दूसरे ने आपसे जहाज के अंदर क्वेश्चन किए तो आपने उसको छोड़ के पानी का गिलास मांगा और चले, वो बेचारा चला गया छोड़ के। आपने एक और जर्नलिस्ट को बात करते करते उसने क्वेश्चन पूछा गुजरात के बारे में, आप छोड़ के चले गए, आपने बेल्ट खोल दी, अपनी अपना माइक उतार दिया और चले गए। प्रधानमंत्री जी, इस क्या है ये कि आपकी प्राइवेट मेंबरशिप है देश की, कि आप मालिक हैं, जिसके जो आप चाहेंगे वो होगा? आप कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे बड़े आदमी हैं, आपको सारे एमपीज ने मिलकर बनाया है, और एमपीज हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। अगर आप हमारी बातों का जवाब नहीं देंगे, उनकी बातों का जवाब नहीं देंगे, प्रेस की बातों का जवाब नहीं देंगे, तो कैसे पता चलेगा आप क्या कर रहे हैं? आप क्या समझते हैं मन की बात एक साइड कर लेना, फन भी कर लेना काफ़ी है, पब्लिक के मन की बात कौन सुनेगा? हम कोई राजनीति के हिसाब से बात नहीं कर रहे हैं, हम तो जनता के आदमी, पब्लिक के आदमी, हम तो आपसे ये क्वेश्चन करेंगे ही करेंगे, हमारा हक बनता है। आप प्रधानमंत्री हैं, अच्छा है आप बने रहे और बने रहे, लेकिन आपको बताना तो पड़ेगा ना आपने क्या किया है। खाली कह देने से काम नहीं चलता है। यू आर आवर प्राइम मिनिस्टर, यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू ऑल आवर क्वेश्चन, जर्नलिस्ट क्वेश्चन, पब्लिक क्वेश्चन, यू हैव स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन पब्लिक स्पीचेस, कैंपेनिंग फॉर भारतीय जनता पार्टी, विच इज नॉट योर जॉब, विच इज नॉट योर जॉब। येस, यू शुड हैव डन इट बाई कैंपेनिंग, बट नॉट स्पेंडिंग आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स एंड डेज इन मीटिंग्स, रैलीज। इज इट करेक्ट डॉक्टर मोदी? इज इट करेक्ट? यू थिंक इट इज राइट? Each and every word that is uttered out from your mouth carries meanings, and old world takes out meanings from them, analytical meaning, synthetical meaning, real meaning, practical meaning. Do you understand that? You go to many countries, very good. You go everywhere, you go. What is the result? Any result there? No agenda, and you go.
यू वॉन्ट, ओके यू गो, इट इज़ पब्लिक, इट इज़ इंटरनेशनल पब्लिक रिलेशन, वेरी गुड, बट मनी इज बींग स्पेंड, वॉट इज रिजल्ट, पब्लिक एक्सपेक्ट रिजल्ट. डॉक्टर मोदी, यू हैव टू आंसर ऑल दिस क्वेश्चन इन इलेक्शंस. दिस इज ए क्वेश्चन मार्क ऑन योर परफॉर्मेंस. Honorable PM Dr. Modi, Honorable Prime Minister, Jai Bharat, hope you will respond. Thank you.